अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब? आप सब खैरियत से होंगे? तो यार ब्लॉग की स्टार्टिंग है उसका मैंने मगरिब के टाइम शुरू की है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग होगी इसलिए मैं आपसे माफ से चाहता हूँ। तो बाकी यार अभी मैं जो सा है ना ये चीज़ें वगैरह लेके आया हूँ, चेक कर सकते हैं। तो ये जो सा चीज़ें वगैरह सारी मेरी हैं, ये सारी चीज़ें मेरी हैं, ठीक है। और मुँह पर एक थप्पड़ भी पड़ गया, बस ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करते। तो यार आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा कि हमारी गली में थी शादी, ठीक है, वो पिछले तकरीबन जुम्मे वाले दिन थी। और आज फिर इस जुम्मे को हमारे बाहर गली के अंदर शादी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर ले, तो मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि शादी में क्या सीन है। तो यार अपना मैं बाहर आया हूँ और अभी जो है मगरिब की नमाज़ का टाइम होना शुरू हो गया। और ये चेक करो हमारे घर के बिल्कुल सामने तंबू शंबू लगे हुए हैं, ठीक है। तो अंदर जो है डेकोरेशन वगैरह हो रही है, बल्कि हो गई है। तो बिल्कुल हमारे घर के A few moments later अपना बाहर जाके वीडियो बना रहा था, लेकिन ठीक है वीडियो बना नहीं पाया। मैंने कहा यार कोई औरत शोरत ही ना आ जाए, कोई बिबी शिबी ना आ जाए, तो इसलिए मैंने ना वहीं पे कैमरा अपना बंद कर दिया था, ठीक है। तो दिखाऊंगा मैं आपको, अगर कोई ऐसा वैसा सीन हुआ तो आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी जो है मैं पी रहा हूँ जी चाय शाम की, ठीक है। और ये ट्राई करते हैं, ओए इसमें नमक है यार, इसमें नमक है यार। म्यूजिक को ट्राई करते हैं, वो पागल है। वो पीछे हमारे घर में ना एक वो है, उनका क्या नाम है उसको कहते हैं यार, वो यार वो क्या कहते हैं उसको, नौकरानी तो खैर, लेकिन वो इंग्लिश में जरा कह देता हूँ ना, वो क्या कहते हैं हैं, नहीं क्या कहते हैं यार उसको, क्या कहते हैं यार, मेरी अम्मी थोड़ी पढ़ी लिखी है, उनसे पूछ लेता मैं, लेकिन अम्मी जो उनसे अपने कामों में लगी हुई हैं, क्या कहते हैं यार समझ से बाहर है। मेड, हाँ ये हमारी मेड है घर की, तो वो जरा थोड़ी सी ना हमने उनको ज्यादा ही ओवर किया हुआ है, तो वो जो उनसे अभी जो बोल रही हैं। बाकी अभी जो उनसे यहाँ पे एक खुसरा आया हमारे घर के सामने, अल्लाह पर लग रहे बेटा पैसे नहीं है यार, चोरी छुपे मैं आ गया हूँ किसी की गैर की शादी, मतलब है तो अपने मोहल्ले में अपनी गली वालों की, लेकिन ये चेक करो यार सीन, चेक करो फिर है प्यारा सीन है कि नहीं है। तो यार कोई आंटी शांटी ना निकला है, क्योंकि मेहंदी है ना इधर सामने घर है वो, तो बाकी बच्चे छच्चे मजे कर रहे हैं अपना। तो यार इधर मुझे लगता है पिछले बारी वाला ये आपने जो ये ब्लॉग नीचे अपने थंबनेल आ रहा है, जो पिछली बार भी अंधेरी आई थी नजर आ गया था, तो शादी जो थी थोड़ी बहुत काम खराब हो गया था, तो इस बारी भी थोड़ी सी आवाज वाज चली है। देखो तंबू शंबू वगैरह थोड़े से गिर गए हैं, सही है। और वो चेक करो यार, ओए होए 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 होए, चेक करो यार यार इतनी जल्दी, ये देखो ये देखो ये देखो क्या हाल हो रहा है, ये देखो बाकी यार अंदर अपना सीन सीन हुआ हुआ है। तो यार अपना हमारे घर बने हुए थे आज चावल, ठीक है, चावल जो मैं बताती हूँ हमारे घर बने हुए थे आज चावल। चावल मुझे पसंद नहीं है, मैं हर चीज़ में ना फरमानी, आई मीन ना फरमानी और क्या कहते हैं ना शुक्री करता हूँ, इसलिए मैंने मुर्गी बनाई है, आई मीन मुर्गी ही है और इसको तो काट रहा हूँ, उसको कच्ची कच्ची खाऊंगा, कच्चा कच्चा तो खैर नहीं खाऊंगा, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हाँ। मैं किस तरह का बनाऊंगा, इधर बंद कर दे कैमरा, हेलो बस बस यार अपना ये चेक करो, मैं जो सा है ना ये बना रहा हूँ अपना ये चिकन वगैरह, ठीक है। मैं इस तरह सिंपल ही खाता हूँ, पता नहीं मुझे ना ज़्यादा वो मसालेदार चीज़ खाने का शौक नहीं है, तो मैं अपना क्या नाम है उसका आलू बनाता हूँ, वो जो आलू नहीं होते यार जो आलू की कचरियाँ वगैरह बनती हैं, आपने मेरे किसी ब्लॉग में देखा होगा कि आलू की कचरियाँ जो उनसे मैं बिल्कुल ऐसे ऑयल डाल के नमक डाल के थोड़ा पानी डाल के बनाता हूँ, बस ये अभी थोड़ा तैयार हो जाए, इसके अंदर इसके ऊपर थोड़ी सी मैं मलाई बोटी डाल मलाई डालूंगा, तो फिर आपको दिखाऊंगा किस तरह की बनती है। तो यार अपना रोटी छोटी आ गई है, सही है। तो ये मेरी मलाई है, देखो बस ऐसे ही बनी है जिस तरह की बनी है,
रोटी देखो कितनी स्वाद से बनी है, सॉफ्ट जूसी जूसी रहती है, जूसी जूसी मिला शादी वगैरह से फारिग हो गए थे, ठीक है। और अब जो है ना, ये जो क्लिप बना रहा हूँ मैं, ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से कोई 5 से 6 दिनों की बात बना रहा हूँ, क्योंकि यार बीच में बहुत ज़्यादा काम आ गया था जिसकी वजह से मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया था। तो अगर आपको मेरे ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यार प्लीज़ यार मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर दो यार। अगर एक मतलब आप लोग में से तकरीबन कोई यही कोई 40-60 लोग देख ही लेते हैं हम लोग, अगर वो आगे कोई एक आधे बंदे को शेयर कर देते हैं तो क्या क्या आपका जाता है। तो यार अगर आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छा लगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।